हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में चैप्टर 13 हम कर रहे थे लेज़र, जिसका क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए देखते हैं क्या कहता है 31। व्हेन द टोटल ऑफ डेबिट साइड टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्रेडिट साइड, the balance standing in the account is called चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या कहते हैं। ऑप्शन कहता है डेबिट बैलेंस, बी कहता है आपका क्रेडिट बैलेंस, सी कह रहा है आपका ट्रायल बैलेंस, और डी कहता है सी कह रहा है आपका लॉस कह रहा है। ठीक है, सी है आपका लॉस और डी कहता है आपका इनकम। बोलिए टोटल ऑफ डेबिट साइड, पहले अकाउंट बनाइए फिर समझते हैं। टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर दैन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। मान लेते हैं कि कैश अकाउंट हमने बनाया, ठीक, डेबिट साइड आपका 10,000 है और क्रेडिट साइड मान लो आपका है 8,000 रुपया। ठीक है, कैश बुक तो आप जानते हो, यानी कैश अकाउंट भी पता होगा आपको कि डेबिट जो है वो फेवरेबल बैलेंस होता है या और क्रेडिट अनफेवरेबल, यानी आप जो जो भी पैसा आता है वो डेबिट करते हैं, डेबिट वॉट कम्स इन, और जो भी पैसा पेमेंट करते हो जाता है वो क्रेडिट वॉट गोज आउट, पैसा जाता है। तो 10,000 अभी अकाउंट में है जिसमें से 8,000 चला गया, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा आपका 2,000 रुपया अकाउंट में। तो बोलता है कि टोटल ऑफ डेबिट साइड का टोटल कितना है 10,000 इज ग्रेटर देन, यानी ये बड़ा है देन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है 10,000 और इधर है 8,000। द बैलेंस स्टैंडिंग इन द अकाउंट इज कॉल्ड, अब बैलेंस कितना बचा है अकाउंट में, तो 2,000 रुपये बचा हुआ है, क्योंकि 10,000 पॉकेट में या बोली 10 अकाउंट में था जिसमें से 8,000 चला गया, तो 2,000 बचा। अब इसको बैलेंस कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी कितना बचा 2,000 रुपया। ठीक है, अब इसको टोटल कर देते हैं, तो इधर हो गया 10,000 और इधर भी 10,000, बैलेंस कितना बचा 2,000, यानी 2,000 अकाउंट में अभी है, ताकि 10 में से 8 तो आपने पेमेंट कर दिया। ये क्रेडिट साइड में आपका दिख रहा है 2,000, लेकिन ये आया किसकी वजह से है, डेबिट साइड की वजह से। तो ये 2,000 कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। ऐसे भी अगर आप देखिएगा तो इधर 2,000 ज़्यादा है और इधर 2,000 कम है, तो ये 2,000 जो इधर ज़्यादा है वो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, उसी को तो हम बैलेंस करके लिखते हैं क्रेडिट साइड में, लिखते हैं क्रेडिट साइड में आया है डेबिट साइड की वजह से, तो ये डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है। ठीक है,
तो कहता है कि टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर, यानी बड़ा है किससे, तो दैट ऑफ क्रेडिट साइड से बड़ा है। तो स्टैंडिंग द बैलेंस स्टैंडिंग इन द अकाउंट, बैलेंस स्टैंडिंग कितना है अकाउंट में, 2,000 रुपया स्टैंडिंग है। ये कौन सा बैलेंस है, तो ये आपका डेबिट बैलेंस है, ठीक है। ये आपका कौन सा बैलेंस है, ये आपका डेबिट बैलेंस है। क्लियर हो गया बात। अगर इसका उल्टा हो जाएगा, इधर 10 इधर 8, तो फिर कौन सा जो आपका होगा एक तरह से, वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। 10 उधर 8 इधर, कोई भी अकाउंट आप ले लीजिएगा, जैसे मान लो कि आपका कैपिटल अकाउंट ही है, उल्टा कर दो आप कैपिटल अकाउंट, तो मान लो कि इधर आपका 10,000 रुपया है और निकाल लिया 2,000 रुपया, तो जो बैलेंस स्टैंड कर रहा है ये कौन सा बैलेंस है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस होगा। खैर अभी डेबिट पूछ रहा था, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं, जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उतना ही एक्सप्लेन करेंगे, तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। इसको हटाइए अभी, ये क्या है आपका डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिट बैलेंस तो नहीं होगा क्योंकि डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, तो ये डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा, लॉस भी नहीं और इनकम भी नहीं, ये भी नहीं होगा, सीधा है आप लिखो डेबिट बैलेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, फिर वही बात, क्वेश्चन रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक किसको बोलते हैं, लेजर को बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक लेजर, बस क्वेश्चन नंबर 32 का यही होगा। इसके बाद 33 को डालते हैं, ठीक है। इसको हम अभी रहने देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 34 में सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है, तो थोड़ा सा इसको हम ये करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम फेरबदल करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 के लिए, इसको अभी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर से लिखना पड़ेगा हमको। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 33, 32 हो गया, 31 के बाद 32 करा दिया मैंने, 32 आपका हो गया, अब 33 क्या कहता है, बुक द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर केप्ट, बुक जिसमें सारा अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, द बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर केप्ट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन दिया है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, नॉन ऑफ दिस, तो क्या कहेंगे, सीधा बोलिए ऑप्शन क्या है, लेजर बोलेंगे सीधा, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, रिपीट कर रहा है, इसलिए बस आपको समझाते हुए आगे निकल जा रहे हैं कि लेजर में क्या करते हैं, लेजर में सारा हर एक ट्रांजेक्शन का सेपरेट अकाउंट ओपन करते हैं, और जितना भी आपका अकाउंट है सब कुछ किस में होता है, लेजर में होता है। तो कौन सा बुक बोलता है, बुक इन विच ऑल द अकाउंट्स आर केप्ट, जिसमें होता है सारा अकाउंट, उस किस में होता है, तो लेज़र में होता है ना, लेज़र में सारा अकाउंट होता है, कैश अकाउंट होता है आपका, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, है ना, डेटर क्रेडिटर, बिल्डिंग, जितना भी एसेट है सारा अकाउंट होता है इसमें, तो ऑल अकाउंट्स किस में होता है, आपका लेज़र में। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, 31 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 था ना ये, क्वेश्चन नंबर 33 था ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, विद द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट, विद द टोटल ऑफ द डेबिट साइड हटाइए क्रेडिट साइड, क्वेश्चन नंबर 34, 33 हो गया, 34 हटाते हैं, विद द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज ग्रेटर देन द, अब यहां लिख दीजिए डेबिट साइड, द बैलेंस स्टैंडिंग इन द अकाउंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे, ऑप्शन वही देंगे आपका, डेबिट बैलेंस, बी
क्रेडिट बैलेंस, फिर वही ऑप्शन दे रहा है आपका लॉस, और डी कहता है इनकम। चलिए देखिए, बुक में जो आंसर दिया हुआ है उस आंसर को आप देखे बिना टिक करिएगा। उसमें जो ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर उसमें गलत भी होता है, तो आपको लॉजिक से समझना है ना। When the total of the credit side of an account is greater than that of the debit side, तो कोई अकाउंट है जिसका क्या कहता है क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है। अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल अकाउंट, मान लो कैपिटल अकाउंट कोई भी अकाउंट आप ले लोगे जिसका क्रेडिट बैलेंस, मान लो ऑनर ने पैसा लगाया, छोटा सा अमाउंट लेते हैं 10,000 लेते हैं, 10,000 ठीक। अब जर्नल एंट्री बनाना तो ज़रूरी नहीं है कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीधा सीधे समझाते हैं अभी आपको। अब ऑनर ने मान लो कि 2,000 रुपये निकाल लिया, या 2,000 नहीं मान लो, फिर से जो पुराना समझाया था वही समझाते हैं, कितना निकाल लिया 8,000 निकाल लिया। तो क्रेडिट साइड आपका 10 है और डेबिट साइड आपका 8 निकल चुका है, ड्राइंग हो चुका है, निकल गया है पैसा। तो बताइए कि जो बैलेंस है वो 2,000 रुपये बैलेंस बचा है किधर साइड, क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी कितना 2,000 रुपये, इसको टोटल कर देते हैं हम, इधर 10,000 और इधर भी 10,000। तो क्रेडिट साइड जो है वो ग्रेटर है यानी बड़ा है किसके, तो डेबिट साइड के, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट साइड छोटा है। तो जो बैलेंस बचता है वो कौन सा बैलेंस बचेगा, क्रेडिट बैलेंस बचेगा। ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस नहीं है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि आया है ये क्रेडिट साइड की वजह से, इसमें हो जाएगा आपका क्रेडिट बैलेंस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ में आया, इसका ऑप्शन नंबर बी क्रेडिट बैलेंस होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, फिर से वही बुक थी आपका क्वेश्चन रिपीट किया है। लेजर बुक इज़ पॉपुलरली नोन एज, लेजर बुक को पॉपुलरली किस लिए कहा गया है, मतलब किसके लिए पॉपुलर है, क्या कहा जाता है जिसके लिए पॉपुलर, तो ये प्रिंसिपल बुक है आपका लेजर बुक जो है वो पॉपुलरली नोन एज, इसको क्या बोलते हैं, सीधा बोल दिए प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट या प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल बुक कहते हैं इसको आपका ठीक है। क्यों कहते हैं ये बात हम लोग बार बार नहीं करेंगे, एक बार कह चुके हैं कि प्रिंसिपल बुक है आपका। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36, इन द लेजर एन अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, बैलेंस इज शोन एज, इन द लेजर एक अकाउंट है एंड अकाउंट जो कि दिखा रहा है शोज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस इज शोन एज,
The balance is shown as A. To balance CD on the debit side, on the debit side, B कहता है टू बैलेंस CD ऑन क्रेडिट साइड, तो आपका टू नहीं होगा यहाँ पर लिखेगा, अगर क्रेडिट साइड होगा तो लिखेगा आपका बाय बैलेंस सीडी ऑन क्रेडिट साइड, टू लिख दिया है बाय होगा वहाँ पर, क्योंकि क्रेडिट साइड में अगर शो करेगा तो बाय लिख के शो करिएगा। इसके बाद सी कहता है आपका टू बैलेंस बी डी, सी डी था यहाँ पे, यहाँ बी डी ऑन दी कौन सा साइड लिखा है, डेबिट साइड, डेबिट साइड, और डी बाय बैलेंस सीडी लिखा है तो दो बार लिख दिया ना, बाय बैलेंस सीडी ऑन क्रेडिट साइड, और फिर यहाँ लिखा है बाय बैलेंस सीडी ऑन क्रेडिट साइड, नहीं तो बाय बैलेंस बीडी कर दीजिएगा यहाँ पे, ये ऑप्शन होना चाहिए था ऑन दी क्रेडिट साइड। अच्छा ऐसा भी ऑप्शन देता है क्वेश्चन, ऐसा भी बनाता है ना, चलो देखते हैं इसको क्या करता है। लेजर में एक अकाउंट है जो कि क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है एट द एंड ऑफ द ईयर, कैपिटल ले लो या वैसा कोई अकाउंट ले लो जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे आप ले लो यहां पे मान लो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट है आपका ठीक है, और ये कौन सा क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, तो बैलेंस इज शोन एज, मान लो कि सेल्स में टोटल आपका था 10,000 और इसका डेबिट कर देते हैं, सेल्स रिटर्न तो हुआ ठीक है, तो ये हमेशा क्रेडिट ही शो करेगा, कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं यहाँ पे, उसका भी क्रेडिट बैलेंस शो करता है, कैपिटल अकाउंट 10,000 लेते हैं इधर ठीक है, इसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। अब क्या कहता है, क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, तो बैलेंस इज शोन एज, तो मान लो कि कैपिटल जो है सेम एग्जांपल ही लेते हैं, 8,000 आपका विड्रॉ कर लिया, तो यहाँ क्या करेंगे टू बैलेंस सीडी 2,000 रुपीज़, बैलेंस क्या करेंगे सीडी करेंगे ठीक है, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, बोलिए क्या होगा अब आपका 36 का, पूछता है कि द लेजर ऑफ एन अकाउंट, दी इन द लेजर एन अकाउंट शोज, एक अकाउंट है जो शो कर रहा है क्या क्रेडिट बैलेंस, तो इधर 10,000 है और इधर सेल्स भी कर सकते थे और इधर 8,000 है ठीक है, तो शो क्या कर रहा है ये क्रेडिट बैलेंस, 2,000 ज़्यादा है ना, तो ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, एट द एंड ऑफ द ईयर द बैलेंस इज सोन एज, कैसे बैलेंस को शो करिएगा, तो डेबिट साइड में लिखिएगा टू डेबिट साइड में लिखेगा टू बैलेंस सीडी आपका 2,000 रुपीज, तो क्या लिखेगा टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड, टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड लिखेगा, हालांकि ये पूछेगा कि कौन सा बैलेंस है, तो ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन पूछ रहा है कि लिखिएगा क्या किस साइड में लिखेगा, तो टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड, ये आप डेबिट साइड में लिखेगा, ये 2,000 रुपया क्रेडिट कौन सा बैलेंस है, तो है ये क्रेडिट बैलेंस, लेकिन टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड ये किधर लिखिएगा, तो ये डेबिट साइड में आप लिखिएगा, यही पूछ रहा है टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है।
सेल्स अकाउंट में भी यही करते हैं आप। सेल्स अकाउंट मान लीजिए आप लिखिएगा तो सेल्स का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है 10,000 का सेल किया, डेबिट साइड कुछ नहीं है तो क्या लिखिएगा, टू बैलेंस सीडी आपका 10,000 रुपीज डेबिट साइड, ठीक है। तो ये भी आपका कहा होता है, टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड। बोलिए कोई दिक्कत। तो बोलता है एक अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्या लिखेगा, बैलेंस इज सोन एज तो टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। अगर यही कहता कि आपका लेजर में एक अकाउंट है जो कि डेबिट बैलेंस आपका शो कर रहा है एट द एंड ऑफ ईयर, तो यहाँ पे क्या लिखते फिर, बाय बैलेंस सीडी आपका यहाँ पर जो भी अमाउंट होता वो लिखते हैं। अगर डेबिट बैलेंस वहाँ लिखता कि एक अकाउंट है जो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है तो हम क्या लिखते, बाय बैलेंस सीडी यहाँ पर लिखते हैं जो अमाउंट था उससे। तो अभी क्रेडिट बैलेंस है तो आपका ये सही होगा, बाय बैलेंस सीडी ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा ये अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है तो यहाँ लिख देंगे आप बाय बैलेंस सीडी आपका 10,000, ये तो नहीं लिखेंगे आपका, ये तो गलत हो गया। टू बैलेंस बीडी, बीडी कैसे लिखिएगा आप, सीडी लिखिएगा, इसके नीचे जाएगा आपका तब आपका बीडी दिखाएगा, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी ऑन द डेबिट साइड, बैलेंस बीडी नहीं, आप जब भी अकाउंट क्लोज करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर तो सीडी लिखते हैं कैरिड डाउन, फिर इसको नेक्स्ट ईयर ले आते हैं तब लिखते हैं ब्राउट डाउन। तो जब आप क्लोज कर रहे हैं बैलेंस को है ना लेजर आपका एट द एंड ऑफ द ईयर तो हमेशा सीडी से क्लोज करिएगा और फिर नेक्स्ट ईयर जाएगा तो वो बीडी होगा, तो ये भी गलत है आपका, बीडी नहीं होगा। फिर बाय बैलेंस बीडी, फिर बीडी होगा ही नहीं ऑन द क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड बैलेंस बीडी करके इसको क्लोज करिएगा नहीं, और बीडी करके आप किसी क्रेडिट बैलेंस को बीडी करके क्लोज कर ही नहीं सकते हैं, तो ये भी गलत है आपका, ठीक है। बस इतना जान लो, टू बैलेंस सीडी ऑन द डेबिट साइड ये एंट्री करेंगे। इतना ही बताएंगे है ना, पूरा अकाउंट भी आपका बना करके हम बता सकते हैं लेकिन ज़्यादा बताएंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, इसीलिए जितना अभी इस क्वेश्चन के लिए ज़रूरी है सॉल्व करने के लिए उतना ही बताएंगे। इसका पूरा डिटेल अगर आप अकाउंट वगैरह पूरा प्रिपेयर किए हैं, ठीक से जानते हो, तो फिर आपको इस क्वेश्चन के आंसर को बताने की ही ज़रूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही समझ जाओगे। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 37। टू डिटरमाइन द डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन वन शुड refers to ledger journal relevant voucher और डी है आपका, डी है आपका मेमोरेंडम बुक, क्या होगा आपका बोलिए। आंसर बताइए इसका, हालांकि आंसर आपको पता होगा। देखिए टू डिटरमाइन द डिटेल ऑफ अ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन, मतलब एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन का जो डिटेल है उसको डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारण करने के लिए, निर्धारित करने के लिए या जानने के लिए बोलिए। वन शुड रेफर्स टू, एक आदमी जो है वो क्या देखेगा है ना। तो देखिए लेजर में हर चीज़ का डिटेल दिया हुआ है, चाहे आपको परचेस टोटल परचेस कितना है, आपको जर्नल से पता नहीं चलेगा, लेजर से पता चलेगा कि अगर आपको पता करना है कि परचेस कितना है टोटल परचेस
तो आप लेजर में जाइए, परचेज अकाउंट में टोटल सेल कितना है, आप सेल्स अकाउंट में जाइए, लेजर में आपको परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सब के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगा कि कितना परचेज रिटर्न हुआ, कितना सेल्स रिटर्न हुआ, कितने का डेटर है, कितने का क्रेडिटर है, कितना बिल्डिंग है, प्लांट है, एसेट है, सब कुछ का डिटेल आपको कहाँ से पता चलेगा। तो आपको जो भी आपका एक ट्रांजेक्शन का भी कोई स्पेसिफिक आपको अगर जानकारी चाहिए तो आपको लेजर में जानना पड़ेगा। मान लो कि आपको जानना है कि भैया टोटल सेल या टोटल परचेस कितना हो रहा है, तो आप कहाँ जाइएगा, लेजर के परचेस अकाउंट में जाइएगा, ठीक है। और परचेस अकाउंट में आप डेबिट साइड में देखिएगा कि टोटल परचेस कितना है। अगर आपको सिर्फ परचेस के बारे में जानना है तो आप लेजर में चले जाइए। आपको मान लीजिए कि डिटेल जानना है किसका, तो एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन मान लो सेल का जानना है, एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन यहाँ क्या हो गया, परचेस। मान लो आपको एक दूसरा स्पेसिफिक कोई ट्रांजेक्शन मान लो सेल के बारे में आपको पता करना है, तो आप सेल्स अकाउंट में चले जाइए और यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्रेडिट साइड में टोटल सेल कितना है, ये आपको टोटल डिटेल पता चल जाएगा, है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपको किसी भी बंदे को अगर ये जानना है, किसी भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के बारे में जानना है, कि हमको सिर्फ जानना है कि भाई हमको सारे अकाउंट के बारे में नहीं पता, हमको सिर्फ सेल्स के बारे में बताइए, तो आप लेजर में सेल्स अकाउंट में आ जाइए, आपको टोटल सेल पता चल जाएगा। कोई बोलता है कि नहीं हमको पूरा डिटेल जानना है, कि बस हमको कोई चीज़ से नहीं मतलब कि वेजेस कितना पे हुआ, सैलरी कितना पे हुआ, रेंट कितना पे हुआ, इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना पेमेंट हुआ, डेटर कितना है, क्रेडिटर कितना है, ये सब हमको कुछ नहीं जानना है, बस हमको बताइए कि परचेस कितना है। तो आप आ जाइए लेजर के परचेस अकाउंट में, आपको टोटल परचेस यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन के बारे में आपको जानना है, लेजर में आइए, टोटल अकाउंट यहाँ पर बना हुआ है, जितना भी अकाउंट है सारा अकाउंट यहाँ पर ओपन है, अलग अलग सेपरेट सेपरेट। तो आप किसी भी एक अकाउंट के बारे में जानना चाहते हैं, आप आ जाइए लेजर में, आपको पता चल जाएगा। तो वन शुड रेफर्स टू लेजर, लेजर में आपका सारा अकाउंट ओपन है, सबका डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 37 आपका हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 38 नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।